अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास नंबर 12 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक और लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे जो कि नमपाई है। नमपाई स्टैंड फॉर होता है न्यूमेरिकल पाइथन। हमने लास्ट क्लासेस में एक लाइब्रेरी को डिस्कस किया था, वो कि स्ट्रीमलेट थी। और स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी में हमने देखा था कि किस तरह से हम स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को यूज करते हुए पाइथन कोडिंग के थ्रू हम अपने पाइथन का जो भी आउटपुट है, अपना प्रोग्राम का आउटपुट, उसे हम एक वेब इंटरफेस के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। और हमने उसके डिफरेंट मेथड्स भी देखे थे कि हम किस तरह से स्ट्रीमलेट के डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट एक वेब यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। आज की इस क्लास में हम एक और लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे, दैट इज नमपाई। और वो लाइब्रेरी किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, न्यूमेरिकल पाइथन। तो ये जितने भी हमारे नंबर्स और न्यूमेरिकल फार्मूलाज को डील करने के लिए ये हमारे पास लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। वैसे इस लाइब्रेरी का जो मकसद है वो अरेज की हैंडलिंग और अरेज की डीलिंग है। हमारे पास अरेज एक डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर और तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये इस्तेमाल होता है। ये जावा में भी इस्तेमाल होता है, सी प्लस प्लस में भी इस्तेमाल होता है, पाइथन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो जितनी भी बड़े लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर अरे का एक कंसेप्ट आता है। अब हम सबसे पहले अरे की बात करते हैं कि अरे क्या होता है। तो अरे इसी तरह से जैसे हमने पाइथन में लिस्ट पढ़ी थी, टपल्स पढ़ी थी, इसी तरह से हमारे पास अरे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। अब वो मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास पाइथन के अंदर लिस्ट में भी स्टोर होती हैं, टपल्स में भी स्टोर होती हैं, और हम उन्हें डिक्शनरीज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो अरे में और हमारे पास लिस्ट में और टपल्स में ये डिफरेंस ये है कि अरे के अंदर जितना भी डाटा होता है वो सारे का सारा डाटा एक सेम टाइप का होता है। लिस्ट के अंदर या टपल्स के अंदर हम मिक्स टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अरेज के अंदर हमारा जो सारे का सारा डाटा है वो एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर हम स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हमने स्टोर करवाई हैं, वो सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर हम नंबर स्टोर करवा रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यूज नंबर्स होने चाहिए। तो हमारे पास अरे के अंदर जो डाटा है वो सेम टाइप का होता है। अब इसके यूज केसेस क्या हैं? अरे हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। जहां हमने फर्स्ट क्लास में एआई की एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, वहां हमने एक डोमेन देखी थी कंप्यूटर विजन। कि कंप्यूटर विजन एक ऐसी फील्ड है जहां पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है और एआई को यूज करते हुए बहुत ज्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं। तो कंप्यूटर विजन के अंदर हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस होता है या वीडियोस होता है। तो आपकी जितनी भी इमेजेस हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ अरेज। अरेज के हवाले से एक और बात मैं बताता चलूं कि आपने मैथ के अंदर, मैथमेटिक्स में, मैट्रिक के अंदर या इंटर के अंदर आपने मैथमेटिक्स के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं कि बेसिकली रोज एंड कॉलम्स का एक कंप्लीट हमारे पास मैट्रिक्स बनता है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट रोज होती हैं और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट एंटिटीज लिखी होती हैं। तो इसी मैट्रिसेस को अगर हम डील करें अपने कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम इसे एक अरे के तौर पर समझ सकते हैं कि अरे बेसिकली वो मैट्रिसेस हैं जो कि हम मैथ में डिस्कस करते हैं। और उनकी एप्लीकेशन क्या है कि जितना भी इमेज डाटा कंप्यूटर में प्रोसेस होता है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस या वीडियोस, वो सारा का सारा इन द फॉर्म ऑफ अरेज में स्टोर हो रहा होता है। इसके साथ साथ एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं जो हम आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में ट्रेन भी करेंगे, उनको देखेंगे भी, उनके अंदर जो डाटा हम इनपुट देते हैं या जो डाटा एक एआई से रिस्पॉन्स के तौर पर मॉडल की प्रिडिक्शन निकल के आती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ अरेज होती है। तो इसलिए अरेज को डिस्कस करना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है कि अरेज क्या होती हैं, किस तरह से हम उनको डील करते हैं, उनके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्योंकि आगे जाके हमने कंप्यूटर विजन के अंदर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो मैं अपने गिटहब पे चलता हूँ और हमारे गिटहब पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप नंबर 12 है, दैट इज नमपाई। तो मैं अपनी इस गिटहब के लेसन 12 के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है नमपाई के नाम से, एक नोटबुक है, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे पास एक नोटबुक यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही होगी। और इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में हमारे पास नमपाई की इंस्टॉलेशन है। तो अगर आपके पास नमपाई इंस्टॉल नहीं है तो आप फर्स्ट कमांड पिप इंस्टॉल नमपाई, जैसे कि आपने पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट करके लास्ट क्लास में स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल किया था और हमने देखा था कि पिप जो होता है एक पाइथन पैकेज मैनेजर है
जिसके पास तमाम तर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स पाइथन के मौजूद होते हैं। नॉर्मली लाइब्रेरीज इसके पास मौजूद होती हैं। तो हम जब भी किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं तो हम पिप के थ्रू, एक पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पिप को यूज करते हुए नंपाई को इंस्टॉल कर लेंगे अगर हमारे पास नंपाई अवेलेबल नहीं है। तो पहले स्टेप में तो हम पिप इंस्टॉल नंपाई करके अपनी इस नंपाई की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद चेक करने के लिए क्या ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट है या नहीं, तो हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे पिप शो नंपाई। तो अगर तो मेरे पास ये इस तरह से डिटेल आती है कि नंपाई वर्जन इसका 1.22.4 है और इसकी कुछ समरी मेरे पास आती है, तो इसका मतलब कि हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो मैं चेक कर लेता हूँ अपनी जुपिटर नोटबुक में जाके, यहाँ पर मैं ये कमांड लिखता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर नंपाई की डिटेल आ गई, इट मीन्स कि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मुझे इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इसकी डिटेल आ गई, इसका मतलब कि मेरे पास इसका 1.26.4 एक वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ तक तो इसकी इंस्टॉलेशन की बात होगी। अब हम चलते हैं कि इसके अंदर, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्रूट्स के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसको हम पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, एप्पल, मैंगो और बनाना। ये मैंने तीन फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाई है और उसको मैंने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। तो जब मैंने इसका आउटपुट देखा तो ये मेरे पास इस लिस्ट का इस तरह से आउटपुट आ गया। ये सारी कोड एग्जांपल्स को आप अपने पास रन करके देख सकते हैं। मैं इसलिए इन कोड एग्जांपल्स को रन नहीं करवा रहा क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर इन चीजों को स्टडी कर चुके हैं। तो बजाय इसके कि हम इन पर टाइम वेस्ट करें, हम कुछ नए कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी एक जो लाइब्रेरी है उसको मैं इम्पोर्ट करता हूँ, जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो कि नंपाई है। तो मैं इसको numpy को इंपोर्ट करता हूँ बाय राइटिंग अ कमांड इंपोर्ट numpy एज एनपी। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट numpy एज एनपी, और आप इसमें देख सकते हैं कि इंपोर्ट numpy एज एनपी की कमांड क्या करेगी। जैसे कि हम स्ट्रीमलेट में यूज करते थे इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी, इसी तरह से इंपोर्ट numpy एज एनपी ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेगी और वो एनपी के वेरिएबल में इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेगी। ठीक है, अब हम जितने भी मेथड्स numpy के यूज करना चाहते हैं वो हम एनपी के साथ कॉल करेंगे। हम लिखेंगे एनपी और डॉट और इसके तमाम तर मेथड्स हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो एक कोड है वो इस तरह से है कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट में लिखा numpy का एक मेथड होता है एनपी का, कि numpy का एक मेथड होता है अरे बनाने के लिए, उसका नाम होता है एनपी डॉट अरे। तो np मेरे पास क्या है, यहाँ पर लाइब्रेरी है यानी ऑब्जेक्ट है उसका, और उसके बाद डॉट करके मैंने उसका एक मेथड कॉल किया अरे, और उस अरे के अंदर मैंने वही फ्रूट्स की लिस्ट पास कर दी जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बनाई थी। तो अब ये फ्रूट्स की लिस्ट के ऊपर ये मेथड अप्लाई होगा और ये एक फंक्शन क्या करेगा कि इस पूरी की पूरी फ्रूट्स की लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर देगा और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने इसको प्रिंट करवा दिया इस अरे को, और उसके बाद मैंने एक टाइप का फंक्शन इस्तेमाल किया जिसमें मैंने फ्रूट्स पास किया, और नेक्स्ट लाइन में मैंने एक टाइप का फंक्शन इस्तेमाल किया जिसके अंदर मैंने अरे पास किया, ताकि जब ये दोनों प्रिंट हो तो मेरे पास फ्रूट्स की टाइप भी आ जाए और मेरे पास अरे की टाइप भी आ जाए। तो मैं जब इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सॉरी फ्रूट्स को यहाँ पर रन नहीं किया क्योंकि फ्रूट्स हमारे पास वहां पर था, तो मैं इस फ्रूट्स को भी यहाँ पर ले आता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो मैंने इस फ्रूट्स को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर एक सेल बना लेता हूँ और इस सेल के अंदर मैं इस फ्रूट्स को भी यहाँ पर क्या करता हूँ रन कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर फ्रूट्स की लिस्ट भी आ गई, और जब मैंने इसको रन किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक अरे में इसने कन्वर्ट करके ये अरे को प्रिंट कर दिया, और जो मेरे पास फ्रूट्स था उसकी क्लास एक लिस्ट थी यानी वो एक लिस्ट डेटा टाइप थी, और फ्रूट्स को अरे में कन्वर्ट करने के बाद जो मेरा डेटा टाइप है वो टोटली चेंज हो गई। अब मेरे पास यहाँ पर डेटा टाइप है numpy डॉट एनडी अरे। numpy का मतलब कि numpy लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है, और एनडी अरे का मतलब ये एक nth डायमेंशनल अरे है, इसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है। तो यहाँ पर ये आपके सामने जो नजर आ रहा है एक आउटपुट, और ये नजर आ रहा है, आप अगर इसको देख के बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, यकीनन आप यही कहेंगे कि देखने से तो नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखी गई हैं और यहाँ पर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब अरे के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर होती हैं उनको हमें कोमा के साथ सेपरेट नहीं करना होता, वो स्पेस के साथ ऑलरेडी सेपरेट होकर स्टोर होती हैं। एप्पल ऑलरेडी
अंडरस्टूड है कि एक अलग कंसेक्टिव लोकेशन पे स्टोर होगा, मैंगो अलग कंसेक्टिव लोकेशन पे और बनाना अलग कंसेक्टिव लोकेशन पे। तो एक तो ये इनके अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है कि अरे की जो आउटपुट होती है उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं होती, बल्कि सेपरेट सेपरेट वैल्यूज हमें स्पेस के साथ नजर आ रही होती है, जबकि लिस्ट और टपल्स में हमारे पास वैल्यूज के दरमियान उनको अलग अलग करने के लिए हमें कॉमा सेपरेशन करनी पड़ती है। तो एक तो ये देख के इसको डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि मैं यहाँ पर कोड के थ्रू आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास जैसे ये कोड आपके सामने नजर आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर एक अरे मैंने बनाई और इस अरे को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, ये फ्रूट्स के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में मैंने तीन वैल्यू स्टोर करवाई, एक मैंने टू स्टोर करवाया, एक मैंने एप्पल स्टोर करवाया और एक मैंने 3.0। अब ये जो मेरे पास डाटा है ये तीन डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज हैं, एक इंटीजर है, दूसरा मेरे पास स्ट्रिंग है और तीसरा मेरे पास फ्लोट है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास लिस्ट के अंदर ये तीनों के तीनों सक्सेसफुली स्टोर हो गए हैं, नंबर भी स्टोर हो गया है, स्ट्रिंग भी स्टोर हो गया और मेरे पास फ्लोट भी स्टोर हो गया। अब जब मैं आता हूँ कि ये मेरे पास वही डाटा जिसमें थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज थी, मैंने जब उसको np.array के जरिए से एक अरे में कन्वर्ट किया और उसको arr2 के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और उसको प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद जब मैंने उसकी आउटपुट देखी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास आउटपुट आई है वो कुछ इस तरह से आई है कि पहले केस में मेरे पास ये तीनों की तीनों वैल्यूज एज इट इज स्टोर हो गई थी लिस्ट के केस में और जैसे वो वैल्यूज थी वैसी उनकी आउटपुट आई थी, लेकिन यहाँ पर क्या एक तब्दीली हुई है कि यहाँ पर numpy अरे में कन्वर्ट करने से वो सारी की सारी वैल्यूज की टाइप चेंज हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3.0 है और एप्पल और 2, 3.0 और 2 यहाँ पर तो हमने इनको एज अ नंबर डील किया हुआ है, एज अ नंबर स्टोर किया है, लेकिन जब मेरे पास यहाँ पे ये प्रिंट होके आ रहा है तो 3.0 और 2 ये दोनों एक सिंगल कोट्स के अंदर रैप हुए हैं। तो सिंगल कोट्स के अंदर वही चीज रैप होती है जो कि एक स्ट्रिंग हो। तो यानी यहाँ पर numpy.array ने क्या किया है कि तमाम वैल्यूज को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास एप्पल स्ट्रिंग में था, तो एप्पल स्ट्रिंग में था इस वजह से उसने तमाम तर वैल्यूज को क्या किया है स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो स्ट्रिंग के अंदर उसने तमाम तर वैल्यूज को कन्वर्ट किया है ताकि वो उसको अरे में स्टोर करवा सके। और यही अरे का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अरे के अंदर सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर होता है, यानी कोई भी डाटा है या तो सारी की सारी वैल्यूज स्ट्रिंग होंगी या सारे के सारे नंबर्स होंगे या सारे के सारे हमारे पास फ्लोट्स होंगे। तो अरे कभी भी मिक्स टाइप ऑफ डाटा को स्टोर नहीं करता, पाइथन के अंदर तो ऐसा नहीं होता, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर आप इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं एक रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे कि आपने देखना है कि वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर अरे के यूज करते हुए मल्टीपल डाटा स्टोर हो सकते हैं। तो ये आपके लिए एक रीडिंग असाइनमेंट दी जाती है कि आप इसको देखें, C++ में भी मल्टीपल डाटा अरेज में स्टोर नहीं हो सकता, एक ही टाइप का डाटा स्टोर होता है। तो पाइथन के अंदर हमारे पास एक ही तरह का डाटा अरे के अंदर स्टोर होता है, अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा उसमें पास करते हैं तो पाइथन उसको एक ही टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और जब हम इसकी टाइप देखते हैं, ये एक डी टाइप का मेथड होता है जो कि डाटा टाइप देखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो जब हम अरे की टाइप देखते हैं arr2 में जो भी है डॉट लगा के इसकी डाटा टाइप देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक u32 के नाम से टाइप दिखाता है। u32 स्टैंड फॉर यूनिकोड, एक कोडिंग स्कीम होती है जैसे कि डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं, ASCII कोडिंग स्कीम है, बाइनरी कोडिंग स्कीम है, तो एक यूनिकोडिंग स्कीम है जो कि हमारे पास 16 बिट कोडिंग स्कीम होती है जो कि तमाम तर करेक्टर्स, तमाम तर लैंग्वेजेस के करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसका एक लेटेस्ट वर्जन है U32, यानी यूनिकोडिंग 32-bit स्कीम, जो कि अब तक की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तमाम तर लैंग्वेजेस के करेक्टर को अपने अंदर कवर करती है और उनको स्टोर करती है। तो उस टाइप के अंदर ये डाटा हमारे पास क्या है स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हुआ है। तो ये एक अरे के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है, और यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी किया है कि अरे कैन नॉट स्टोर मिक्स टाइप डाटा, कि इसमें डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर नहीं हो सकता, अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो सारे के सारे डाटा को एक टाइप में वो किसी ना किसी तरह लेके आएगा, और अगर ये डाटा सारे का सारा एक टाइप में नहीं आ रहा तो फिर ये एरर दे देगा और ये हमें खुद से कहेगा कि सारे का सारा डाटा हमारा एक ही टाइप में होना चाहिए। तो ये तो हमने अरे के बारे में देख लिया कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अरे, लिस्ट एंड टपल्स। अब उसके बाद हम आते हैं अरे के डिफरेंट चीजों पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरे पास अरे के अब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कोई भी हम अरे स्टोर करते हैं उसकी उसकी एक डिफॉल्ट डाटा टाइप्स होती है, यानी अगर हमने एक अरे बनाया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक अरे बनाया उसके अंदर थ्री नंबर्स मैंने स्टोर कर दिए, 2, 4 और 6। तो ये जो थ्री नंबर्स मैंने इसमें स्टोर किए हैं, ये थ्री नंबर्स arr3 के अंदर एक अरे बन गया। तो
इसके अंदर जो 3 नंबर स्टोर किए हैं ये तीनों इंटीजर्स हैं। तो जब मैंने इस इंटीजर की डेटा टाइप देखी कि अरे के अंदर जो नंबर स्टोर हुए हैं उनकी डेटा टाइप क्या है, तो उनकी डेटा टाइप देखने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है, एक एट्रीब्यूट होता है डॉट डी टाइप का, जो कि किसी भी अरे की डेटा टाइप देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब मैंने इसकी डेटा टाइप देखी तो इसने मुझे बता दिया इंट 32। यानी जब भी हम कोई इंटीजर टाइप का अरे बनाएंगे और उसकी जब हम डेटा टाइप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो डेटा टाइप होगी वो इंट 32 होगी, यानी 32 बिट इंटीजर होगा। इसका मतलब ये है कि हर नंबर जो अरे में स्टोर है 2, 4 और 6, यानी अरे का एक नंबर वो 32 बिट लॉन्ग हो सकता है, 32 बिट से ज्यादा बड़ा वो नंबर नहीं हो सकता। तो 32 बिट की रेंज कितनी होती है ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 32 बिट में कितने टोटल बिट्स आते हैं, तो वो उसकी उतनी रेंज आपके सामने निकल आएगी। आप इंटरनेट से भी जाके देख सकते हैं कि टोटल कितनी रेंज 32 बिट की होती है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि हमारे पास हमने फ्लोट स्टोर किया, तो हमने 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर किए हैं, तो 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इनको स्टोर किया और इनकी डेटा टाइप देखी तो बाय डिफॉल्ट जो अरे ने स्टोर किया है इन 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, उसकी बाय डिफॉल्ट टाइप फ्लोट 64 है। तो फ्लोट 64 भी एक रेंज है अरे के अंदर, और ये आई थिंक 10^-308 to 10^+308 तक इसकी रेंज होती है। इसके अलावा भी और टाइप्स हैं फ्लोट के अंदर, फ्लोट 16 है, फ्लोट हमारे पास 32 है, इसके अलावा भी टाइप्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनकी डिफरेंट टाइप्स की रेंज इंटरनेट से देख सकते हैं और इनकी नंपाई की डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं कि किस किस की क्या क्या रेंज होती है। आगे जाके हम इन रेंज को भी डिस्कस करेंगे कि कितनी रेंज किसकी होती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टोर करवा सके। उसके बाद हम देखते हैं डायमेंशंस। तो ये तो हमने देखा कि जब भी हम किसी इंटीजर को स्टोर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टाइप उसकी इंट 32 होती है, यानी 32 बिट लॉन्ग इंटीजर वो हो सकता है। जब हम किसी अरे में किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टाइप उनकी क्या होती है, फ्लोट 64। और जब हम किसी अरे में किसी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी टाइप जो होती है वो यूनिकोड 32 बिट कोडिंग स्कीम होती है। तो ये हमने डिफरेंट तरह की टाइप्स को देख लिया। अब उसके बाद हम आते हैं कि डायमेंशन ऑफ अरे, के अरे की डायमेंशन क्या होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अरे की डिफरेंट डायमेंशन होती हैं। अब हमने आपको याद होगा कि हमने जब लिस्ट पढ़ी थी तो वहां पर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था 2D लिस्ट का और 3D लिस्ट का, और यहाँ पर जब हम अरेज को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 2D अरेज और 3D अरेज का कंसेप्ट आएगा। लेकिन जब भी हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी एक नंबर को अरे के अंदर, तो जब भी हम किसी नंबर को अरे में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो नंबर होगा उस नंबर का जो हमारे पास कह लें कि जो भी हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद उस नंबर का जो अरे बनेगा, अगर तो वो हमारे पास एक सिंपल नंबर है, सिर्फ एक वैल्यू है, नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसका जो अरे बनेगा दैट इज द 0D अरे। वो एक जीरो डायमेंशनल अरे होगा जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और इसको हम मैथमेटिक्स के अंदर स्केलर भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक अरे बनाया जिसके अंदर मैंने 34 पास किया है। यहाँ पर मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई, कोई टपल नहीं बनाया, तो मैंने जस्ट 34 पास किया है। तो इससे जो मेरे पास एक अरे बनेगा इसकी जीरो डायमेंशन होगी और ये मेरे पास एक स्केलर वैल्यू होगी, ये एक स्केलर अरे है और इसे हम कह सकते हैं अरे विद अ जीरो डायमेंशन। अगर मैंने एक सिंगल 1D लिस्ट पास की है, जैसे कि आपके ब्रैकेट्स में नजर आ रही है कि मेरे पास एक रो है और इसमें एक लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट में 10, 20, 30 और 40 इस तरह के मैंने एलिमेंट्स रखे हैं, तो उसको जब मैं अरे में कन्वर्ट करूंगा और उसकी मैं डायमेंशन देखूंगा तो मेरे पास इसकी डायमेंशन 1 होगी। तो जब भी एक 1D लिस्ट को हम अरे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक 1 डायमेंशनल अरे नजर आएगा हमारे पास बनता हुआ और उसकी डायमेंशन 1 होगी। तो एनडीम यहाँ पर एक कमांड है जो कि किसी भी अरे की डायमेंशन को देखने के लिए इस्तेमाल होती है कि उसकी डायमेंशन क्या है। इसी तरह से जब भी हम किसी 2D लिस्ट को किसी अरे में पास करेंगे और उसको जब हम अरे में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में जो हमारा अरे होगा वो 2 डायमेंशनल अरे होगा। तो एनडीम के थ्रू हमने इसकी डायमेंशन चेक की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डायमेंशन 2 आ गई है। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई 3D लिस्ट है, इस 3D लिस्ट को हम पास करेंगे अपने किसी भी अरे के अंदर, तो हमारे पास उस केस में जो अरे बनेगा वो 3 डायमेंशनल अरे होगा और उसकी अगर डायमेंशन हम चेक करें तो वो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल अरे आएगी। तो 1D लिस्ट, 2D लिस्ट और 3D लिस्ट, ये सारी चीजें हम लिस्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा मैंने यहाँ पर कोडिंग एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी नहीं समझी। आप इन कोडिंग एग्जाम्पल्स को अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट आप लिस्ट को कन्वर्ट करें और सेम मेथड np.array को यूज करें तो आपके पास उसकी डायमेंशन आती जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं के स्पेसिफाइंग डेटा टाइप्स ऑफ अरे। कि अभी हम जो डिफॉल्ट डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे इंट 32, इंट 64 और फ्लोट 64 और हमारे पास u 32, ये सब क्या होती है।
तो अरे के अंदर हम जब भी डाटा टाइप रखते हैं, कोई भी डाटा रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर इन कोडिंग एग्जाम्पल्स को मैं थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए इसको कोड पे ले आता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर स्टोर किए हैं 2.9, 4.0 और 6। मैं यहाँ पर इन नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट की बजाय यहाँ पर मैं इन नंबर्स को क्या करता हूँ, इंटीजर रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2, 4 और 6 कुछ इंटीजर स्टोर किए हैं, और यहाँ पर मैंने एक इसी अरे के अंदर एक पैरामीटर पास किया है, डी टाइप इज इक्वल टू इंट 8। यानी ये जो नंबर्स हैं, ये जो मेरे पास अरे बनेगा, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंट 8 होगी। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि ये मेरे पास एक अरे बन गया है, इसकी डेटा टाइप यहाँ पर इंट 8 है। अब इंट 8 बेसिकली ये शो कर रहा है, इंट शो कर रहा है कि इस अरे के अंदर इंटीजर टाइप्स का डाटा है, और 8 शो कर रहा है कि बेसिकली इस अरे के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, उन सब की जो रेंज है वो 8 बिट है। 8 बिट का मतलब कि अगर आप कैलकुलेटर से 2^8 ले तो आपके पास ये जो आंसर आता है वो 128 आता है। इट मींस 0 से लेकर 127 तक इसकी रेंज होगी। और चूंकि हमारे पास यहाँ पर इंट की बात हो रही है, तो इंट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो हमारे पास इंट 8 के केस में हमारे पास जो इसकी रेंज होगी वो होगी हमारे पास -128 से लेकर 127 तक। तो ये हमारे पास इसकी रेंज होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में इस तरह से हमारे पास ये रेंज होगी कि 128 से लेकर 127 तक इसकी रेंज होगी। अब ये जो जितने भी नंबर मेरे पास यहाँ पर हैं 2, 4 और 6, इन नंबर्स में से हर नंबर की रेंज -128 से 127 तक हो सकती है। अगर इस रेंज से बाहर कोई नंबर मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ तो वो अरे में स्टोर नहीं होगा, और उसकी बजाय कोई और अजीबोगरीब सा नंबर, एक रैंडम नंबर वो स्टोर कर देगा जो कि हमारे काम का नहीं होगा। तो ये हम यहाँ पर इसकी एक प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो मैं जब इस कोड को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इन वैल्यूज को बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 212 कर दिया, और इसको 423 कर दिया, और मैंने इसको यहाँ पर 614 कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास तीनों नंबर जो है वो इंट 8 की रेंज से बाहर है, जो कि -128 से 127 के दरमियान थी, इस रेंज के अंदर नहीं आ रही। तो जब मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास इतनी बड़ी वार्निंग आई है सबसे पहले, और उसने मुझे लास्ट पे ये बताया है कि आपने जो डाटा टाइप यूज किया है विल गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स कैश कास्ट ओवरफ्लो। यानी इसके अंदर हमारे पास कास्ट ओवरफ्लो की वार्निंग आई है, और उसने यहाँ पर मुझे बता दिया है कि इस लाइन के अंदर आपके बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स हैं, जबकि आपने जो डाटा टाइप स्पेसिफाई किया है वो इंट 8 स्पेसिफाई किया है। तो अगर मैं इसकी आउटपुट देखूँ तो आउटपुट भी आप देख रहे हैं कि बड़ी अजीबोगरीब से आ रही है। 214 को उसने -44 लिखा हुआ है, इसी तरह से 423 को उसने -89 लिखा हुआ है, और 614 को उसने 102 लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसने किसी भी एक डेटा टाइप को, यानी किसी भी एक नंबर को ठीक तरह से स्टोर नहीं किया, बल्कि उसकी रेंज उसमें नहीं थी तो उसने उनके अकॉर्डिंग रैंडम नंबर स्टोर करवा दिए। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, और आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी आपने इसका आंसर लिखना है कि जब हम यहाँ पर कोई भी नंबर स्टोर कर रहे हैं 2, 12 या 4, 23 या 6, 14, तो 212 की बेस पर वो यहाँ पर -44 ये यहाँ पर स्टोर कर रहा है, तो 212 के बिहाफ पर कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके थ्रू यहाँ पर ये -44 बना रहा है। ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर नीचे देना है कि 224 के बिहाफ पर कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है जिसकी बेस पर वो 224 यानी हमारे पास 212 है उसको वो -44 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स के अंदर नीचे देंगे। तो ये यहाँ पर अजीबोगरीब किस्म का डाटा इसने यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर कोई भी ऐसा डाटा स्टोर किया, लेट्स सपोज जो कि हमारी रेंज के अंदर अंदर ही है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 123 लिख दिया, और इस रेंज को भी मैंने ठीक कर देता हूँ, मैं इसको 34 कर देता हूँ, और ये जो मेरे पास रेंज है इसको भी मैं 126 कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर तीनों की तीनों वैल्यूज 128, -128 और 127 की रेंज में है, तो आप देखते हैं कि एज इट इज ऐसी ये स्टोर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर मैंने कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये अरे एग्जाम्पल है, मैं इसी को ले आता हूँ यहाँ पर, कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है 152, अब इसकी रेंज तो जो मेरे पास इंट 8 के अंदर नहीं आती, तो इस केस में मैं यहाँ पर अपनी डेटा टाइप की एक्सटेंशन बढ़ा लूंगा। मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इंट 8 से बड़ी जो मेरे पास एक डेटा टाइप है वो होती है इंट 16, तो इसकी रेंज हमारे पास इंट 16 की
ये रेंज हमारे पास इंट 8 से ज्यादा होती है, और आप ये सोच सकते हैं कि इंट 8 की रेंज जो है वो 127 तक है, तो इंट 16 की रेंज इससे डबल होगी यानी 256 तक। तो ये इसकी नॉर्मली रेंज होती है, तो 0 से लेकर 255, और चूंकि इंटीजर है तो माइनस 256 से लेकर पॉजिटिव 255 तक इसकी रेंज होगी। तो अब मैं इस नंबर को स्टोर कर सकता हूँ जो कि 128 से बड़ा है। तो हर एक वैल्यू के लिए, जो इंटीजर के लिए जो हम अरे में स्टोर करवा रहे होते हैं, उसके लिए एक रेंज डिफाइन होती है नंपाई के अंदर। आपने उस वैल्यू को स्टोर करवाते हुए उस रेंज को क्या करना है, मद्देनजर रखना है जब भी आप उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे होंगे। नॉर्मली हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, इंट 32 बाय डिफॉल्ट रेंज होती है और उसी के थ्रू वो जितना भी डाटा है तमाम तर वैल्यूज वगैरह हमारी हैंडल हो जाती हैं। लेकिन जब हमने अपनी मेमोरी को एफिशिएंटली तौर पे यूज करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं ताकि हमारी उतनी ही मेमोरी यूज हो जितने हमारी वैल्यूज हैं, उससे ज्यादा हमारी मेमोरी कंज्यूम ना हो। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर एक और, कि आप लोगों ने डिफरेंट डेटा टाइप सर्च करके लेके आनी है कि इंट की 8 और इंट 16 के अलावा इंट की और कौन सी डेटा टाइप्स हैं। एक डेटा टाइप तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं इंट 32, इसके अलावा आपने क्या करना है इंट की और डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, कौन कौन सी रेंजेस हैं और उनको किस तरह की डेटा टाइप के नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तमाम रेंजेस आपने सर्च करके लेके आनी है और आपने इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में वो रेंजेस लिखनी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे अरे के एट्रीब्यूट्स पे। अरे के एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं? अब हमारे पास दो चीजें होती हैं। हमारे पास एक होता है एट्रीब्यूट्स और एक होता है मेथड्स। इन दोनों में कुछ फर्क होता है। एट्रीब्यूट्स वो होती हैं जो के जिनके नाम के बाद हम राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाते, और मेथड्स वो होते हैं जिनके नाम के बाद हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूँ जो अभी तक हमने किया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अरे 3 के अंदर डी टाइप यूज किया। अब डी टाइप के बाद यहाँ पर हमने कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाई, राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाई, तो इसका मतलब ये जो डी टाइप है ये एक एट्रीब्यूट है, अरे का एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट ये बता रहा है कि इस अरे की डेटा टाइप क्या होती है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर मैंने नंपाई का मेथड यूज किया एनपी डॉट अरेज। अब इस अरे के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की है, यहाँ पर ये मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट को एंड किया। तो जब भी मैं कोई ऐसी चीज को यूज करूंगा जिसमें राउंड ब्रैकेट डॉट लगा के आगे राउंड ब्रैकेट नाम आएगा हमारे फंक्शन का, आगे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी और एंड होगी, तो इस चीज को हम मेथड्स कहते हैं या फंक्शंस कहते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये जो हमारे पास एनपी डॉट अरे है ये हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स भी आ रही हैं और उसके अंदर हमने कोई ना कोई पैरामीटर या इनपुट पास करना होता है। और ये जो आपके पास डी टाइप नजर आ रहा है जिसके पास राउंड ब्रैकेट्स नहीं आ रही, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। तो अरे के एट्रीब्यूट्स एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टीज को जाहिर कर रहे होते हैं। यहाँ पर डी टाइप एट्रीब्यूट है, अरे की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी डेटा टाइप क्या होती है। इसी तरह हम अरे के अब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अरे के डिफरेंट मेथड्स भी पढ़ेंगे। तो अभी हम जल्दी से अरे के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट है? एक एट्रीब्यूट है अरे की शेप का, अरे की शेप क्या होती है। तो शेप क्या होती है कि हमारे पास कोई भी एक 1D या 2D अरे है तो उसमें कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसको हम कहते हैं अरे की शेप। तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक 2D लिस्ट पास करके एक 2D अरे बनाया जो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। जब मैंने इसकी शेप कैलकुलेट की तो यहाँ पर मेरे पास 2x3 आ गया, तो ये 2x3 के मीन्स 2 कॉलम्स है इसमें और हमारे पास रोज हैं और हमारे पास इसके अंदर 3 कॉलम्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शेप एज इट इज वैसे ही है जैसे आप मैट्रिसेस में ऑर्डर को यूज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो वहां पर होता है कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर किसी भी अरे का ऑर्डर देखने के लिए यहाँ पर हम शेप का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से एक एट्रीब्यूट होता है साइज का। साइज का एट्रीब्यूट ये बताता है कि हमारे पास जो अरे है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस अरे के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं। तो जब हमने अरे डॉट साइज प्रिंट किया तो यहाँ पर मेरे पास इसका साइज 6 आ गया। फिर उसके बाद एक आइटम साइज का एट्रीब्यूट है। आइटम साइज का एट्रीब्यूट ये बताता है कि हमारे पास अरे का जो एक नंबर है उस एक नंबर को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, बाइट्स के अंदर हमें मेमोरी बता रहा होता है कि कितनी मेमोरी चाहिए। तो मैंने जब अरे का आइटम साइज लिखा है तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने स्पेसिफाई किया इंट 16। 16 का मतलब कि एक बाइट में हमारे पास 8 बिट होते हैं, तो 16 बिट को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 2 बाइट्स बनेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने आइटम साइज इसका देखा तो इसने मुझे यहाँ पर 2 बताया, यानी अरे के हर नंबर को स्टोर करने के लिए मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आइटम साइज मेमोरी की
हमें बाइट्स बताता है कि मेमोरी में कितने बाइट्स हर नंबर को स्टोर करने के लिए दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास अरे के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आज की क्लास को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अरे के अंदर हम किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं।